पादुकोण को उनकी अपकमिंग फिल्म रेस 2 के डायरेक्टर्स अब्बास मस्तान से ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि वो इस फिल्म के लिए अपना 4 से 5 किलो वजन घटाएं, एज शी हैज टू डॉन शॉर्ट एंड अल्ट्रा ग्लैम ड्रेसेस इन द फिल्म, और दीपिका इनके ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हैं। अजय देवगन की होम प्रोडक्शन फिल्म सन ऑफ सरदार में संजय दत्त के ऑपोजिट जूही चावला को कास्ट किया जा रहा है। वैसे संजय और जूही की जोड़ी पिछली बार हमें 1999 की फिल्म सफारी में दिखी थी। नरगिस फाखरी की डेब्यू फिल्म रॉकस्टार को रिलीज हुए बस एक ही हफ्ता हुआ है, लेकिन फिर भी नरगिस को 3 बड़े ब्रांड्स को एंडोर्स करने का ऑफर मिला है और अपने करियर के शुरुआत में इतनी सक्सेस पाकर नरगिस है काफी खुश। एकता कपूर की एम्बिशियस फिल्म द डर्टी पिक्चर रिलीज के लिए तैयार है, लेकिन ये फिल्म फिर से कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। अब लेट साउथ इंडियन एक्ट्रेस सुष्मिता के भाई ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में इस फिल्म की रिलीज को रोकने के लिए पेटिशन फाइल की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस फिल्म में उनकी बहन के कैरेक्टर को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। बमन ईरानी इन दिनों काफी खुश हैं, क्योंकि उनके बेटे दनाश शादी करने जा रहे हैं उनकी गर्लफ्रेंड रिया कामा के साथ, और बमन ने इस फंक्शन में अपने सारे को-स्टार्स को इनवाइट करने का फैसला किया है।